Hello everyone, today we are going to study in this video the Fiddler bomb. तो सबसे पहले ये एक निमेटोड है, ठीक है ना. एंड दिस निमेटोड बिलोंग टू द सुपर फैमिली, ठीक है ना. किस फैमिली को? फिलीरोड है. इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक बॉम्ब्स. क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक बॉम्ब, जो कि ट्रांसमिट कैसे होते हैं? बाय द बाइट ऑफ ब्लड सकिंग इंसेक्ट. ब्लड सकिंग इंसेक्ट जो होते हैं उनके बाइट से ये ट्रांसफर होते हैं. जो फिरल बॉम्ब होते हैं वो रेसाइड कहाँ पे करता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू में. सबक्यूटेनियस टिश्यू में, लिम्फैटिक सिस्टम में, बॉडी कैविटी ऑफ ह्यूमंस में. तो फिरल बॉम्ब कहाँ पे रेसिड करते हैं? सबक्यूटेनियस टिश्यू में, लिम्फैटिक सिस्टम में और बॉडी कैविटी ऑफ ह्यूमंस में. जो एडल्ट बॉम्ब है वो जनरली 80 से 100 mm लेंथ में होते हैं, 0.25 से 0.3 mm ब्रेथ में होते हैं. और फीमेल बॉम्ब जो होते हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू मेल. जो टेल होते हैं मेल वर्म का, उसमें होता है क्या? पेरी एनल पैपिले. क्या होते हैं? पेरी एनल पैपिले होते हैं और अनइक्वल स्पिकुल्स होते हैं बट नो कॉडल बर्सा. अनइक्वल स्पिकुल्स होते हैं बट कोई भी कॉडल बर्सा नहीं होता. जो फीमेल बर्म होती हैं वो वीविपेरस होती हैं और वो बर्थ देती हैं लार्वे को, जिसको बोलते हैं माइक्रोफिलेरी, ठीक है. तो जो टेल होता है मेल बॉम का, उसमें क्या होता है? दैट इज़ द पेरी एनल पैपिले होता है और अनइक्वल स्पिक्यूल्स होते हैं बट कोई भी कॉडल बर्सा नहीं होता है. जो फीमेल बॉम होते हैं वो वीविपेरस होते हैं, जो कि गिव बर्थ करते हैं टू लार्वा, जिसको हम लोग माइक्रोफिलेरी बोलते हैं. जो माइक्रोफिलेरी होते हैं रिलीज किससे होते हैं? बाय द फीमेल बॉम, जो कि रिडक्ट होते हैं इन द पेरीफेरल ब्लड और क्यूटेनियस टिश्यू डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज. तो जो माइक्रोफिलेरी होते हैं रिलीज होते हैं किससे? फीमेल बॉम से, और डिटेक्ट होते हैं पेरीफेरल ब्लड से और क्यूटेनियस टिश्यू से, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज. कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो माइक्रोफिलेरी होते हैं वो रिटेन करते हैं देयर एक मेम्ब्रेन को विच इन्वेलप देम एस ए सीट, एंड इसको बोलते हैं सीट माइक्रोफिलेरी. कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो माइक्रोफिलेरी होते हैं वो रिटेन करते हैं अपने एक मेम्ब्रेन को, जो कि डेवलप करते हैं एस ए सीट, उसको हम लोग बोलते हैं सीट माइक्रोफिलेरी. कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो माइक्रोफिलेरी होते हैं रिटेन करते हैं एक मेम्ब्रेन को, जो कि डेवलप करते हैं एस ए सीट, एंड इसको बोलते हैं सीट माइक्रोफिलेरी. कुछ अदर स्पीसीज में क्या होता है, फिरेलर नेमेटोड का जो एक मेम्ब्रेन होता है वो रक्चर हुआ था, जिस और हम लोग इसको बोलते हैं अनसीथिस माइक्रोफिलेरी, ठीक है. कुछ स्पीसीज ऑफ फिरेलर नेमेटोड में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन रक्चर हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं अनसीथिस माइक्रोफिलेरी. और वंस द माइक्रोफिलेरी आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ सीथ, इसको हम लोग बोलते हैं सीथिड एंड अनसीथिड. इनके फर्दर डिफ्रेंसिएशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है. हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डन ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई. पीरियोडिसिटी, ये डिपेंड करता है ऑन व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलेरी अकर इन द ब्लड. पीरियोडिसिटी मतलब कि डिपेंड करता है ऑन व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलेरी अकर इन द ब्लड. फिरेलर बर्म जो होता है एग्जिबिट करते हैं नॉक्टर्नल, डायर्नल पीरियोडिसिटी और नो पीरियोडिसिटी एट ऑल. तो पीरियोडिसिटी में क्या देखा हमने, कि डिपेंडिंग ऑन व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलेरी अकर इन द ब्लड, जो फिरेलर बर्म होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं नॉक्टर्नल, डायर्नल पीरियोडिसिटी और नो पीरियोडिसिटी एट ऑल, ठीक है. उसके बाद जो बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी का अननोन है, बट इट मे बी एडेप्टेशन और टू द बाइंडिंग हैबिट. मतलब क्यों पीरियोडिसिटी होता है, या कोई अननोन है, बट ये इसलिए भी हो सकता है टू एडेप्टेशन ऑफ बाइटिंग हैबिट ऑफ द वेक्टर. जो लाइफ साइकिल है फिरेलर नेमेटोड का, ये पास्ट होते हैं टू होस्ट में, एक को बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट जो कि मैन होता है, और एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है ना, दैट इज द ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड्स. तो एक डेफिनेटिव होस्ट है, इसको हम लोग मैन को बोलते हैं, और वन इज द इंटरमीडिएट होस्ट, दैट इज द ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड. तो माइक्रोफिलेरी होता है कंप्लीट करता है अपने डेवलपमेंट को इन द आर्थ्रोपोड होस्ट टू प्रोड्यूस द इंटेक्टिव लार्वल स्टेज. तो इसमें क्या क्या देखा, कि फिरेलर बॉर्म है और रेसिड्यू करते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में, लिम्फैटिक टिश्यू में, सिस्टम में, बॉडी कैविटी ऑफ ह्यूमन में. सबसे पहले तो ये कि कहाँ रहते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में रहते हैं, रिमेंबर इट, लिम्फैटिक सिस्टम में रहते हैं, ब्लड बॉडी कैविटी ऑफ ह्यूमन्स में रहते हैं. एडल्ट बॉर्म जो रहते हैं वो मेजर करते हैं 80 से 100 mm इन लेंथ, ठीक है ना. और फीमेल वर्म होते हैं बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू मेल. जो टेल होते हैं मेल वर्म का, उसमें क्या होते हैं, पेरीएनल पैपिले होते हैं और अनइक्वल स्पिक्यूल्स होते हैं बट कोई भी कॉडल बर्सा नहीं होता है. ये जो फीमेल बर्म होते हैं वही पेरस होते हैं, जो कि गिव बर्थ करते हैं लार्वा को, दैट इज कॉल्ड एस माइक्रोफिलेरी, ठीक है. फीमेल बर्म क्या होते हैं, वही पेरस होते हैं और दैट गिव बर्थ टू लार्वा, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिलेरी. माइक्रोफिलेरी जो होता है रिलीज करते हैं फीमेल बर्म और डिटेक्ट होते हैं इन द पेरीफेरल ब्लड और क्यूटेनियस टिश्यू दैट डिपेंड ऑन द स्पीसीज, ठीक है. तो माइक्रोफिलेरी रिलीज होता है बाय द फीमेल बर्म और डिरेक्ट होता है कहाँ पे, पेरीफेरल ब्लड में, क्यूटेनियस टिश्यू में, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज. कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो माइक्रोफिलेरी होता है रिटेन करते हैं देयर एग मेम्ब्रेन को, जो कि डेवलप करते हैं देयर सीथ, उसको बोलते हैं लोग सीथ माइक्रोफिलेरी.
कुछ स्पीसी ऑफ फाइलेरिया नेमाटोड्स में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन रप्चर हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं अनसीथेड माइक्रोफिलेरी। एक बार जब माइक्रोफिलेरी को हम लोग क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सीथ, जैसे सीथेड एंड अनसीथेड, इसको हम लोग मतलब कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई के बेस पर भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके बाद पीरियोडिसिटी, डिपेंडिंग ऑन की व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलेरी अकर इन द ब्लड, ठीक है ना, फिरेलर बर्म जो होते हैं एग्जिबिट करते हैं नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी, डायर्नल पीरियोडिसिटी और नो पीरियोडिसिटी एट ऑल, ठीक है। तो पीरियड है, पीरियोडिसिटी का अननोन होता है, बट इट मे बी मतलब एक अडेप्टेशन है, क्योंकि जो बाइटिंग हैबिट है वेक्टर्स का उसके अकॉर्डिंग। जो लाइफ साइकिल है फिरेलर नेमेटोड का, दो होस्ट में होता है, एक तो डेफिनेटिव होस्ट दैट इज द मैन और एक इंटरमीडिएट होस्ट दैट इज द ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोडा। माइक्रोफिलेरी जो होता है कंप्लीट करता है डेवलपमेंट का इन द होस्ट आर्थ्रोपोड होस्ट, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज को। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिरेलर बर्म हम देख सकते हैं ऑन द लोकेशन ऑफ बॉडी, हम आगे भी देखेंगे, बट यहाँ पे पहले देखते हैं कि ट्रांसमिटेड होते हैं टू ह्यूमन टू आर्थ्रोपोड विच आर देयर वेक्टर्स, ठीक है ना, ऑल्सो ड्यूरिंग द नेक्स्ट फीड। तो ट्रांसमिट कैसे होते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन बाई आर्थ्रोपोड जो कि विच आर देयर वेक्टर ऑल्सो ड्यूरिंग द नेक्स्ट फीड। जो एडल्ट वॉर्म होता है वो लीव करता रहता है फॉर मेनी ईयर्स, वेयर एस माइक्रोफिलेरी सर्वाइव करता है 3 to 36 months, ठीक है। तो ट्रांसमिट कहाँ पर होता है, टू द ह्यूमन्स बाई आर्थ्रोपोड से, और इसका वेक्टर जो होता है वो ऑल्सो ड्यूरिंग द नेक्स्ट फीड, ठीक है ना। एडल्ट वॉर्म लीव करता है बहुत ईयर्स के लिए, जहाँ पे माइक्रोफिलेरी सर्वाइव करता है 3 to 36 months। 8 species ऑफ फिरेलर बर्म जो होता है इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को, उसमें जो 6 ऑफ देम है जो कि पैथोजेनिक है, दैट इज द ब्रूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, देन ब्रुग्या मलाई, देन बी टिमोरी, कॉज करता है लिम्फैटिक फिलेरियासिस। लिम्फैटिक फिलेरियासिस कौन कौन कॉज करता है, ब्रूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, ब्रुग्या मलाई एंड बी टिमोरी, और लोआ जो कॉज करता है मलाबार स्वेलिंग और एलर्जिक लीजन। ओंकोरा वॉल्वेलस जो होता है काउस करता है आई लीजन एंड डर्मेटाइटिस, ठीक है। मोन्सेला स्ट्रेप्टोसीरा जो काउस करता है स्किन डिजीज, एंड एम ओजार्डी एंड एम प्रेस्टेसन, ये वर्चुअली नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इन्फेक्शन करें विथ एनी ऑफ द फिरेलर बर्म, इसको हम लोग बोलते हैं फिलेरियासिस, बट ट्रेडिशनली जो टर्म फिलेरियासिस होते हैं वो रेफर टू लिम्फैटिक फिलेरियासिस जो कि काउस करते हैं बाय द ब्रूचेरिया और ब्रुग्या स्पीसीज। तो इन्फेक्शन किसी भी फिरेलर बर्म का होता है इसको हम लोग फिलेरियासिस करते हैं, बट ट्रेडिशनली जो टर्म फिलेरियासिस होता है वो रेफर करता है लिम्फैटिक फिलेरियासिस को जो ये काउज होता है बाय द ब्रूचेरिया और ब्रुग्या स्पीसीज, ठीक है। जो एडल्ट फिरेलर बर्म है वो कंटेन करता है इंडोसिम्बायोटिक रिकेट्सिया लाइक अल्फा प्रोटोबैक्टीरियम ऑफ द जीनस मोबेचिया स्पीसीज, ये इसका दिस हैज गॉट डेफिनेटिव रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ फिलेरियासिस, और ये बिकम टारगेट हुआ था एंटी फिलेरियल कीमोथेरेपी से, ठीक है। और जो वोबेचिया स्पीसीज है अलॉन्ग विद द फिरेलर एंटीजन एक्टिवेट करता है द रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी एंड टीमोटैक्सिस साइटोकाइनेंस, और ये इंक्लूड करता है सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस, और टॉल लाइक रिसेप्टर भी प्ले करता है इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन दिस। इसके बाद हम एक जो ये क्लासिफिकेशन देख रहे थे ऑन द बेस ऑन द लोकेशन ऑफ द बॉडी, कि जो लिम्फैटिक फिलेरियासिस एक है, एक सबक्यूटेनियस फिलेरियासिस और एक सीरस कैविटी फिलेरियासिस है। अगर हम लोग लिम्फैटिक फिलेरियासिस की बात करें तो उसमें कौन कौन आता है, ब्रूचेरिया ब्रोंकोफ्टाई आता है, ब्रुग्या मलाई आता है और ब्रुग्या टिमोरी आता है। तो लिम्फैटिक फिलेरियासिस में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे जो हमने देखा भी था यहाँ पे, ठीक है ना, ब्रूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, ब्रुग्या मलाई, ब्रुग्या टिमोरी, और सबक्यूटेनियस फिलेरियासिस में कौन कौन से आते हैं, लोआ ओंकोरा वॉल्वोलस एंड मोन्सेला स्ट्रेप्टोसीरा, और सीरस कैविटी फिलेरियासिस में कौन आते हैं, मोन्सेला परसिस्टेंस एंड मोन्सेला ओजार्डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएटिंग फीचर ऑफ वेरियस माइक्रोफिलेरी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द टेल, कि टेल में न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। तो माइक्रोफिलेरी में एक होता है सीथित माइक्रोफिलेरी, एक होता है अनसीथित माइक्रोफिलेरी। सीथित माइक्रोफिलेरी की बात करोगे तो इसमें एक टेल एंड जो होता है ये न्यूक्लियाई एक्सटेंड नहीं करता है अप टू द टेल, और जो इसको हम लोग ब्रूचेरिया ब्रोंकोफ्टाई बोलते हैं। इसमें यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो कि जो न्यूक्लियाई है एक्सटेंड नहीं करता है अप टू द टेल टिप, और एक होता है कि जो न्यूक्लाई होता है एक्सटेंड करता है अप टू द टेल टिप, ठीक है ना, और न्यूक्लाई प्रेजेंट होता है ए रो अप टू द टेल टिप, ठीक है ना, जिस जो कि लोआ में, आप लोआ में देखोगे न्यूक्लाई प्रेजेंट इन ए रो अप टू द टेल टिप, टेल के टिप पे यहाँ पे दिख रहा है आपको, और टू न्यूक्लाई एट द टिप ऑफ द टेल जो कि ब्रुग्या मलाई में दिखेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो टू न्यूक्लाई एट द टेल एट द टिप ऑफ द टेल। उसके बाद एक आता है, ये तो हो गया सीथित में। सीथित माइक्रोफिलेरी में कौन कौन से आते हैं, ब्रूचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, ठीक है ना,
मुझे यह ब्रोंकोप्टा क्या है, लिम्फैटिक फिलेरेसिस है। ब्रुग्या मलाई भी क्या है, लिम्फैटिक फिलेरेसिस है। और लोअर लोअर इज नॉट लिम्फैटिक फिलेरेसिस, इट इज अ सबक्यूटेनियस फिलेरेसिस। बट ये इंक्लूड कहाँ पे होता है, सीधे माइक्रोफिलेरी में होता है, ठीक है। और बुचेरिया ब्रोंकोप्टा में क्या है, न्यूक्लियस एक्सटेंड नहीं करता टू द टेल टिप, और लोअर में न्यूक्लियस एक्सटेंड करता टू द दो रो ऑफ टेल टिप में, और ब्रुग्या मलाई में भी, सॉरी लोअर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है टेल टिप के पास, और ब्रुग्या मलाई में दो न्यूक्लियस होता है द टिप ऑफ द टेल। उसके बाद आता है अनसीथेड माइक्रोफिलरी, जिसका टेल एंड में क्या होता है, न्यूक्लाई एक्सटेंड करता है टू द टेल टिप, ठीक है। और एक होता है न्यूक्लाई डो नॉट एक्सटेंड टू द अप टू द टेल टिप। अगर न्यूक्लाई एक्सटेंड करता है टेल टिप, इसमें आता है मॉन्सेला परसिस्टेंट एंड मॉन्सेला स्ट्रेप्टोसर्का। और न्यूक्लियस जो एक्सटेंड नहीं करता टेल टिप तक, उसमें आता है मॉन्सेला ओजार्डी एंड ऑन्कोसेरस वॉल्बुलस। तो इसमें आपको याद रह जाएगा अनसीथेड माइक्रोफिलरी में कौन कौन से आ गए, मॉन्सेला परसिस्टेंस एक सीरियस कैविटी फिलेरेसिस है। उसके बाद मॉन्सेला स्ट्रेप्टोसर्का जो कि एक सबक्यूटेनियस फिलेरेसिस है, मॉन्सेला ओजार्डी दैट इज द सीरियस कैविटी फिलेरेसिस, एंड ऑन्कोसेरका वॉल्बुलस जो कि सबक्यूटेनियस फिलेरेसिस करवाता है, ठीक है। और इसका हैबिटेट भी आप याद कर लो कि सबके सब ब्लड में होता है एक्सेप्ट ऑन्कोसेरा वॉल्बुलस जो कि स्किन में होता है और आई में होता है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं, एक बॉक्स में दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियोडिसिटी जो कि एग्जिबिट करता है माइक्रोफिलेरी। तो एक है नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी, जब लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलेरी अकर होता है ब्लड में एट द नाइट, दैट इज कॉल्ड लेस नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी। क्या इसको बोलते हैं, जब लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलेरी अकर होते हैं ब्लड में एट द नाइट, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई जैसे, ठीक है। अब डायरनल पीरियोडिसिटी, जब लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलेरी अकर करते हैं ब्लड में ड्यूरिंग द डे, एग्जाम्पल इज लोअर। नॉन पीरियोडिक, जब माइक्रोफिलरी सर्कुलेट करते हैं एट द कॉन्स्टेंट लेवल ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, उसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक, जिसका एग्जाम्पल है ऑन्कोसेरा वॉल्बुलस। एक होता है सब पीरियोडिक और नॉक्टर्नली सब पीरियोडिक, जब माइक्रोफिलरी कैन बी डिटेक्टेड इन द ब्लड थ्रू आउट द डे बट कैन बी डिटेक्टेड इन द हायर नंबर्स ड्यूरिंग द लेट आफ्टरनून ऑन नाइट। सब पीरियोडिक या फिर नॉक्टर्नली सब पीरियोडिक मतलब क्या होता है, जब माइक्रोफिलरी डिटेक्ट होता है ब्लड में थ्रू आउट द डे बट हायर नंबर में कहाँ पर रहता है, लेट आफ्टरनून या फिर नाइट में, ठीक है ना। माइक्रोफिलरी कैपिलरीज में मिलता है और ब्लड वेसल में ऑफ लंग्स के भी ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन दे आर नॉट प्रेजेंट इन द पेरिफेरल ब्लड, मतलब जब पेरिफेरल ब्लड में नहीं प्रेजेंट होता है तो कैपिलरीज में ब्लड वेसल ऑफ लंग्स में भी प्रेजेंट होता है इस पीरियड में। तो कई तरह का पीरियडिसिटी है, नॉक्टर्नल, डायर्नल, नॉन पीरियोडिक एंड सब पीरियोडिक या फिर नॉक्टर्नली सब पीरियोडिक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लिम्फैटिक दैट इज फिलेरेसिस, इसमें सबसे पहले देखेंगे बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे होता है, ट्रॉपिक्स में एंड सब ट्रॉपिक ऑफ सब सहारन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस कहाँ पे होता है, इंडिया में ही होता है, और इंडिया में क्या होता है, एंडेमिक एरिया आर मेनली अलॉन्ग द सी कोस्ट एंड अलॉन्ग द बैंक ऑफ लार्ज रिवर्स थ्रू इन्फेक्शन, ठीक है ना। अब हैबिटेट की बात करते हैं, हैबिटेट जो होता है एडल्ट वर्म का, ये कहाँ पे रहता है, लिम्फैटिक सिस्टम ऑफ मैन, और जो माइक्रोफिलेरी रहता है वो कहाँ पे रहता है, ब्लड में। तो एडल्ट वर्म कहाँ पे रहता है, दैट रिसाइड इन द लिम्फैटिक सिस्टम ऑफ द मैन, लिम्फैटिक में रहता है, और जो माइक्रोफिलेरी रहता है वो ब्लड में मिलता है। मॉर्फोलॉजी, जो एडल्ट वर्म की बात करेंगे तो एडल्ट वर्म कैसे होते हैं, वाइटिस होते हैं, ट्रांसक्यूलेंट होते हैं, थ्रेड लाइक वर्म होते हैं, स्मॉथ क्यूटिकल होते हैं और टैपरिंग एंड होते हैं। क्या क्या देखा कि जो एडल्ट वर्म होते हैं कैसे होते हैं, वाइटिस होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होता है, थ्रेड लाइक बम होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर स्मूथ क्यूटिकल होता है और उसका टैपरिंग एंड होता है। क्या क्या देखा, वाइटिस होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, थ्रेड लाइक बम होते हैं, स्मूथ क्यूटिकल होता है और टैपरिंग एंड होता है। फीमेल बड़ी होती है देन मेल, उसके बाद जो पोस्टीरियर एंड होता है फीमेल बर्म का वो स्ट्रेट होता है, और जो मेल होते हैं उनका कर्व वर्टिकली, और इसमें कंटेन करता है टू स्पिक्यूल्स, ठीक है ना, इसमें दो स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ अनइक्वल लेंथ। जो पोस्टीरियर एंड होता है फीमेल का वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है, मेल का कर्व वर्टिकली, और ये कंटेन करता है टू स्पिक्यूल्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो रिमेन क्वाइल टुगेदर, एक साथ रहते हैं, यूजली इन द एब्डोमिनल एंड इंग्यूनियल लिम्फैटिक्स, ठीक है। तो मेल और जो फीमेल होते हैं वो क्या रहता है, क्वाइल टुगेदर रहता है, एंड दैट इज यूजली एब्डोमिनल एंड इंग्यूनियल लिम्फैटिक्स में रहता है और टेस्टिकुलर टिश्यूज में भी रहता है। तो फीमेल वर्म होते हैं क्या होते हैं, विवीपेरस होते हैं, और डायरेक्टली लिबरेट करते हैं सीथेड माइक्रोफिलरी इनटू द लिम्स। जो फीमेल वर्म क्या रहते हैं, विवीपेरस होते हैं और लिबरेट करते हैं सीथेड माइक्रोफिलरी, जो सीथेड माइक्रोफिलरी है उसको लिम्फ में, ठीक है ना। तो एडल्ट वर्म के बारे में हम लोग क्या क्या जाना कि एडल्ट वर्म जो होते हैं वाइटिस होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, थ्रेड लाइक वर्म होते हैं, स्मॉल क्यूटिकल होते हैं और टैपरिंग एंड होते हैं।
फीमेल जो होते हैं लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, जो पोस्टियर एंड होता है फीमेल बम का स्ट्रेट होता है और जो मेल होते हैं उनका कर्व वर्टिकली होता है और उस पर टू स्पिकुल्स होते हैं जो कि अनइक्वल लेंथ का होता है। मेल और फीमेल जो होते हैं कॉइल टुगेदर होते हैं एब्डोमिनल इंगोनियल लिम्फैटिक्स में और टेस्टिकुलर टिश्यूज में। जो फीमेल बम होते हैं वीए पेरस होते हैं और डायरेक्टली लिब्रेट करते हैं सीधे माइक्रोफिलेरी इनटू द लिम्फ। और एडल्ट बम जो होते हैं बहुत ईयर्स तक रहते हैं, प्रोबेबली 10 से 15 साल या फिर उससे भी ज़्यादा। अब हम लोग माइक्रोफिलेरी देखेंगे। तो माइक्रोफिलेरी जो होते हैं कलरलेस होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं उसके बॉडी और बीथे ब्लंड हेड एंड पॉइंटेड टेल। तो माइक्रोफिलेरी कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बॉडी होते हैं, ब्लंड एंड होते हैं और पॉइंटेड टेल होते हैं। ठीक है, ये मेजर कितना करते हैं 250 टू 300 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 6 टू 10 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। ये फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड विद इन द सीथ विच इज मच लॉन्गर देन एम्ब्रियो। ठीक है ना, ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं सीथ के अंदर जो कि एम्ब्रियो से बहुत बड़ा होता है। ये कबर्ड किससे होता है, हाइलिन सीथ से, विद इन विच इट कैन एक्टिवली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे कि सीथ लॉन्गर होते हैं एम्ब्रियो से, तो देख लिया। जब हम लोग स्टेन करते हैं लेसमैनस स्टेन से या फिर अदर रोमैनस की स्टेन से, तो हम लोग को स्ट्रक्चर डिटेल मिलता है। ठीक है ना, और जो सेंट्रल एक्सिस होता है माइक्रोफिलेरी का, तो उसमें कॉलम ऑफ ग्रैन्यूल्स मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल और न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल बोलते हैं और न्यूक्लियाई बोलते हैं। जो ग्रैन्यूल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं एट द सर्टेन स्पेसिफिक न्यूक्लियस लोकेशन। सॉरी, जो ग्रैन्यूल्स होते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियस, वो कभी कभी एब्सेंट होते हैं, एक फीचर जो कि हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज में। ठीक है, ये आप देख सकते हो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रोफिलेरिया ब्रोंकोफिटाई। अब हेड एंड पे क्या होता है, ये हम लोग माइक्रोफिलेरी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो एडल्ट बॉम था, ये एडल्ट बॉम था और ये हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रोफिलेरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी और डिटेलिंग में जाते हैं कि जो हेड एंड होता है वहाँ पे क्या होता है, क्लियर स्पेस होता है जो कि वॉइड ऑफ ग्रैन्यूल्स, वहाँ पे ग्रैन्यूल्स नहीं होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सिफेलिक बेस स्पेस बोलते हैं। और माइक्रोफिलेरी ब्रोंकोफिटाई में जो सिफेलिक स्पेस होता है लंबा होता है और ब्रॉड होता है, जबकि माइक्रोफिलेरी जो मेलेगाई है उसमें लंबा होता है देन इट्स ब्रेथ। हम लोग वाइटल स्टेन से देखेंगे तो स्टाइलेट डेमोन्स्ट्रेट होता है जो कि प्रोजेक्ट होता है फ्रॉम द सिफेलिक स्टेज। एंटीरियर हाफ ऑफ द माइक्रोफिलेरी में क्या होता है, एक ऑब्लिक एरिया रहता है जो कि डिवॉइड ऑफ रिंग होता है, डिवॉइड ऑफ सॉरी ग्रैन्यूल्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नर्व रिंग। तो एंटीरियर हाफ ऑफ द माइक्रोफिलेरी में क्या होता है, ऑब्लिक एरिया होता है जो कि डिवाइड होते हैं ग्रैन्यूल्स को, इसको बोलते हैं नर्व रिंग। अप्रॉक्सीमेटली मिड बे अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द माइक्रोफिलेरी वहाँ पे एंटीरियर वी स्पॉट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है रूडिमेंट्री एक्सक्रेटरी सिस्टम को, और पोस्टीरियर वी स्पॉट जिसको हम लोग बोलते हैं टेल स्पॉट जो कि रिप्रेजेंट करता है क्लोएका को या फिर एनल पोर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जेनाइटल जी सेल होता है जो कि सिचुएटेड एंटीरियर टू द एनल पोर के एंटीरियर में जेनाइटल जी सेल रहता है। तो इंटरनल या फिर सेंट्रल बॉडी ऑफ मैनसोन जो होता है एक्सटेंड करता है फ्रॉम द एंटीरियर वी स्पॉट तो जी सेल वन जो कि रिप्रेजेंट करता है रूडिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल को। जो टेल टिप होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं न्यूक्लियस से इन माइक्रोफिलेरी ब्रोंकोफिटाई। ठीक है ना, ये बियर करते हैं थ्रू डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इन माइक्रोफिलेरी मेलेगाई। माइक्रोफिलाई जो होते हैं मल्टीप्लाई नहीं करते हैं या फिर अंडरगो करता है एनी फर्दर डेवलपमेंट इन ह्यूमन बॉडी अगर दे आर नॉट टेकन अप बाय ये फीमेल वेक्टर मॉस्किटो, ये मर जाते हैं। लाइफ स्पैन का 2 से 3 महीने बिलीव किया जाता है और इट इज एस्टिमेटेड कि माइक्रोफिलाई का जो डेंसिटी होता है ऑफ एटलीस्ट 15% ड्रॉप ऑफ ब्लड इज नेसेसरी फॉर इन्फेक्टिंग। तो बेसिकली इसमें क्या क्या आपने देख लिया, यहाँ पे देखिए कि एक सीथेड है। ठीक है, सिफेलिक स्पेस है, न्यूक्लियाई है, नर्व रिंग है, एंटीरियर वी स्पॉट है, जेनाइटल सेल है G1 टू G4 सेल है, पोस्टीरियर वी स्पॉट है, टेल है जहाँ पे नो न्यूक्लियाई एट द टिप है। अब हम पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो जो माइक्रोफिलेरी होता है वो सर्कुलेट कहाँ पे करता है, ब्लड स्ट्रीम में करता है। माइक्रोफिलेरी कहाँ पे सर्कुलेट करता है, ब्लड स्ट्रीम में करता है। ठीक है ना, इंडिया में, चाइना में और मेनी अदर एशियन कंट्रीज में ये नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी शो करता है पेरिफेरल सर्कुलेशन में। तो क्या बोला कि इंडिया में, चाइना में और अलग अलग एशियन कंट्रीज में नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी शो करता है पेरिफेरल सर्कुलेशन में और बींग सीन इन द लार्ज नंबर इन द पेरिफेरल ब्लड ओनली एट द नाइट दैट इज बिटवीन 10 PM to 4 AM। ठीक है ना, और ये लार्ज नंबर इन पेरिफेरल ब्लड नाइट्स में दिखता है दैट इज बिटवीन 10 PM and 4 AM। और ये कोरिलेट करता है नाइट बीटिंग हैबिट ऑफ द वेक्टर मॉस्किटो, मतलब ये कोरिलेट करता है विद द नाइट बाइटिंग हैबिट ऑफ द वेक्टर मॉस्किटो। तो याद रखना है कि 10 PM to 4 AM में पेरिफेरल ब्लड में रहता है और ये कोरिलेट करता है नाइट बाइटिंग हैबिट ऑफ द वेक्टर मॉस्किटो के साथ। उसके बाद पीरियोडिसिटी जो है ये ऑल्सो रिलेटेड होता है टू द स्लीपिंग हैबिट ऑफ द होस्ट, मतलब पीरियोडिसिटी कैसा स्लीपिंग हैबिट है होस्ट का उस पर भी डिपेंड करता है। ये रिपोर्ट किया गया कि अगर स्लीपिंग हैबिट होस्ट का रिवर्स हो जाता है ओवर ए पीरियड तो माइक्रोफिलेरी भी क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं पीरियोडिसिटी को फ्रॉम नॉक्टर्नल टू द डायर्नल।
ठीक है. जो नॉक्टर्नल पीरियड होता है माइक्रोफिलेरी का, ये बिलीव्ड होते हैं टू स्पेंड द डे टाइम मेनली इन द कैपिलरीज ऑफ द लंग एंड द किडनी और इन द हार्ट एंड ग्रेट वेसल. जो नॉक्टर्नल पीरियोडिक माइक्रोफिलेरी है वो कहाँ स्पेंड करते हैं डे टाइम में? बेसिकली इन द कैपिलरी ऑफ द लंग्स में, कैपिलरी ऑफ द किडनीज में, हार्ट में, ग्रेट वेसल्स में. ठीक है. उसके बाद लाइफ साइकिल अगर देखते हैं तो जो बुचेरिया ब्रोंकेप्टाई है वो लाइफ साइकिल को दो होस्ट में पास ऑन करते हैं. दैट इज वन इज डेफिनेटिव होस्ट एंड वन इज इंटरमीडिएट होस्ट. डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होता है? मैन होता है, जिसमें कोई भी नो एनिमल होस्ट और रिजर्वॉयर इज नोन फॉर ब्रोंकेप्टाई बुचेरिया ब्रोंकेप्टाई. ठीक है ना. कोई भी एनिमल होस्ट और रिजर्वॉयर नहीं जरूरत होता है बुचेरिया ब्रोंकेप्टाई का. डेफिनेटिव होस्ट मैन होता है. इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? फीमेल मॉस्किटो होता है, जिसमें डिफरेंट स्पीसीज एक्ट एज ए वेक्टर इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया. जो मेजर वेक्टर होता है इंडिया में एंड मोस्ट अदर एशिया में, दैट इज द क्वेलेक्स क्यूनिक्यूफिसेंट्स. ठीक है, ये होता है मेन, दैट इज द वेक्टर. ठीक है ना. इन्फेक्टिव फॉर्म कौन होता है? दैट इज द एक्टिवली मोटाइल थर्ड स्टेज फिलीफॉर्म लार्वा. कौन सा? एक्टिवली मोटाइल थर्ड स्टेज फिलीफॉर्म लार्वा, दैट इज द इन्फेक्टिव टू मैन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ह्यूमन इन्फेक्शन को मिलता है बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो दैट इज कैरिंग द फिलेरल बॉम. ह्यूमन को कैसे इन्फेक्शन होता है? मॉस्किटो जब खाते हैं जिसमें फिरिलेट बर्म होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है. नाउ डेवलपमेंट इन द मॉस्किटोज. अगर हम लोग फीमेल ह्यूमन को इन्फेक्शन होता है बाय द बाइट ऑफ फिरिलेट बॉम, ठीक है ना, उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट इन मॉस्किटोज. तो हम लोग मॉस्किटो की बात करेंगे तो जब एक वेक्टर मॉस्किटो फीड करता है ऑन द कैरियर, जो माइक्रोफिलेरी होते हैं टेकन इन विद द ब्लड मील एंड रीच द स्टमक ऑफ द मॉस्किटो. क्या हुआ कि एक जब वेक्टर मॉस्किटो फीड करता है कैरियर पे, ठीक है ना, तो क्या होता है जो माइक्रोफिलेरी होता है वो टेकन इन विद द ब्लड मील, ब्लड मील से ले लेता है और स्टमक ऑफ मॉस्किटो में चला जाता है. 2 से 6 घंटों के बाद क्या होता है, ये जो अपने सीथ को है उसको कास्ट ऑफ कर देता है, इसको बोलते हैं एक सीथिंग. और स्टमक बाल को पेनिट्रेट कर जाता है विद इन 4 से 14 घंटे में और माइग्रेट करता है तो थोरेसिक मसल्स, जहाँ पे अंडरगो करता है डेवलपमेंट. ठीक है, थोरेसिक मसल्स में जाता है और वहाँ पे डेवलपमेंट शो करता है. नेक्स्ट 2 दिन में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है. जैसे फर्स्ट स्टेज लार्वा में चेंज होता है जो कि सॉसेज शेप होता है, जिसमें होता है स्पाइकी टेल. उसके बाद विद इन ए वीक ये मोल्ट करता है 1 और 2 इंक्रीजेस इन साइज और ये बन जाता है सेकेंड स्टेज लार्वा. ठीक है, एक महीने के एक वीक के अंदर ये मोल्ट कर जाता है एक बार और दो बार और साइज में बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं सेकेंड स्टेज लार्वा. अनदर वीक में क्या होता है, डेवलप करता है इंटरनल स्ट्रक्चर को और इलोंगेटेड हुआ था दैट फॉर्म द थर्ड स्टेज फिलीफॉर्म लार्वा. ठीक है, अनदर वीक में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है और बड़े होकर थर्ड स्टेज फिलीफॉर्म लार्वा बन जाता है और ये एक्टिवली मोटाइल होता है और इन्फेक्टिव फॉर्म होता है. एक्टिवली मोटाइल होता है और इन्फेक्टिव फॉर्म होता है. ठीक है, ये एंटर करता है प्रोबोसिस सीट ऑफ मॉस्किटो के प्रोबोसिस सीट में और अबेट करता है द अपॉर्चुनिटी फॉर इन्फेक्टिंग ह्यूमंस ऑन विच द मॉस्किटो फीड. और अबेट करता है कि इन्फेक्ट कर सके ह्यूमंस को, ठीक है ना, जब मॉस्किटो उसको खाएगा. और यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है माइक्रोफिलेरी का मॉस्किटो में और एक माइक्रोफिलेरी डेवलप करता है इनटू 1 इन्फेक्टिव लार्वा. ठीक है, एक माइक्रोफिलेरी डेवलप करता है इनटू 1 इन्फेक्टिव लार्वा. और जो टाइम टेकन फॉर द एंट्री ऑफ द माइक्रोफिलेरी इनटू द मॉस्किटो टिल द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्टिव थर्ड स्टेज लार्वा, ये होता है प्रोबोसिस सीथ में. और इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड में. तो टाइम जो टेकन होता है टू द एंट्री ऑफ माइक्रोफिलेरी इन द मॉस्किटो, मॉस्किटो में एंटर करने के बाद, ठीक है ना, और ये डेवलपमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज लार्वा कहाँ पे, प्रोबोसिस सीथ में, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड. और इसका ड्यूरेशन जो होता है वैरी करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, एज वेल एज वेक्टर स्पीसीज से. और ऑप्टिमल कंडीशन में ड्यूरेशन 10 से 20 दिन के लिए वैरी करता है. और जब मॉस्किटो विद द इन्फेक्टिव लार्वा इन इट्स प्रोबोसिस फीड करता है पर्सन पे, तो लार्वा डिपॉजिट होता है यूजली इन द पेयर्स, ठीक है ना, ऑन द स्किन नियर द पंक्चर साइट. आफ्टर दिस डेवलपमेंट इन मेन, जो लार्वा होता है एंटर करता है थ्रू द पंक्चर वुंड, ठीक है ना, और पेनिट्रेट कर जाता है स्किन में देमसेल्फ. उसके बाद जो इन्फेक्टिव डोज होता है मैन का नहीं पता होता है, ठीक है ना, बट मेनी लार्वा जो होता है पेनिट्रेट नहीं कर पाता है स्किन को देम सेल्फ, इसीलिए एंड मेनी मोर आर टिश्यू डिस्ट्रॉयड इन द टिश्यू बाय इम्यूनोग्लोबिन. बहुत सारे टिश्यू में इम्यूनोग्लोबिन के थ्रू डिस्ट्रॉय हो आता है और अदर डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है. और ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो बाइट है वो रिक्वायर्ड होते हैं टू इंश्योर ट्रांसमिशन टू मैन. मतलब कि 15,000 इन्फेक्टिव बाइट पर पर्सन अगर रहता है तब जाके इंसान को इसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है. जब स्किन में पेनिट्रेट करता है तो थर्ड स्टेज जो लार्वा होता है एंटर करता है लिम्फेटिक वेसल्स में और आर कैरिड यूजली टू एब्डोमिनल और इन ग्लूनर लिम्फ नोड.
जब स्किन में पेनिट्रेट करता है तो जो थर्ड स्टेज लार्वा होता है वो इंटर कहाँ पे करता है, लिम्फैटिक वेसल्स में इंटर करता है और वो कैरीड और कैरीड यूजली टू एब्डोमिनल और कहाँ तक लेके जाता है, टू द एब्डोमिनल और इंग्यूनल लिम्फ नोड पे, जहाँ पे वो डेवलप करता है इंटू एडल्ट फॉर्म, जहाँ पे किस में डेवलप करता है इंटू द एडल्ट फॉर्म, मतलब स्किन में पेनिट्रेट करने के बाद थर्ड स्टेज जो लार्वा है वो इंटर करता है लिम्फैटिक वेसल्स में और जो कि एब्डोमिनल या फिर इंग्यूनल लिम्फ नोड तक जाता है जहाँ पे वो एडल्ट में डेवलप होता है। उसके बाद यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, दिस स्टेज ओनली वन एडल्ट डेवलप करता है फ्रॉम वन लार्वा, दैट इज द मेल और ठीक है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता और एक एडल्ट डेवलप करता है वन लार्वा से मेल या फीमेल और ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है कितने दिनों में, अबाउट 6 मंथ में, ठीक है ना। जो ग्रेविड फीमेल बर्म होते हैं वो रिलीज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलेरी, मतलब 50,000 माइक्रोफिलेरी पर डे और वो पास करते हैं थोरैसिक डक्ट में, पल्मोनरी कैपिलरीज में और एंटर करते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन में। तो ग्रेविड फीमेल वो कितना एग ले करते हैं, दैट इज माइक्रोफिलेरी ले करते हैं 50,000 पर डे, ठीक है ना, और पास करते हैं थोरैसिक डक्ट में और पल्मोनरी कैपिलरीज में और एंटर करते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन में। जो माइक्रोफिलेरी होता है इंजेस्ट होता है विद द ब्लड मील बाई मॉस्किटो और साइकिल रिपीट हो जाता है। उसके बाद होता है प्री पैटेंट पीरियड, ये पीरियड वैरी करता है फ्रॉम द एंट्री, ये पीरियड होता है एंट्री ऑफ इन्फेक्टिव थर्ड स्टेज लार्वा इनटू द ह्यूमन होस्ट टिल द अपीयरेंस ऑफ द माइक्रोफिलेरी इन द सर्कुलेशन। इसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन पीरियड या फिर प्री पैटेंट पीरियड। ये 8 से 12 महीना होता है। प्री पैटेंट पीरियड क्या होता है, ये पीरियड होता है जहाँ पे एंट्री होता है ऑफ द इन्फेक्टिव थर्ड स्टेज लार्वा किस में, ह्यूमन होस्ट में, टिल द अपीयरेंस ऑफ माइक्रोफिलेरी इन द सर्कुलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन पीरियड और प्री पैटेंट पीरियड। यूजली 8 से 12 महीना के लिए होता है। क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये पीरियड वैरी करता है फ्रॉम द एंट्री ऑफ द इन्फेक्टिव लार्वा टिल द डेवलपमेंट ऑफ द अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये वेरिएबल होते हैं बट यूजली 8 से 16 मंथ के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद पैथोजेनेसिस, जो इन्फेक्शन होता है डब्ल्यू ब्रोंकोफ टाइप से, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूचेरियलिस या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकोफ्टियन फिलेरियासिस। ये डिजीज प्रेजेंट होता है ऐसे क्लासिकल फिलेरियासिस या फिर ऑक्लुएंट फिलेरियासिस, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या पढ़े, क्लासिकल फिलेरियासिस और ऑक्युलेंट फिलेरियासिस, अब दोनों के बारे में हम देखेंगे, दैट इज यहाँ पे दिया हुआ भी है क्लासिकल फिलेरियासिस एंड ऑक्युलेंट फिलेरियासिस। अब पहले क्लासिकल फिलेरियासिस का पैथोजेनेसिस क्या होता है, ये क्यों होता है, जो तो ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल में ब्लॉकेज होता है, लिम्फ नोड्स में ब्लॉकेज होता है बाय द एडल्ट बॉर्न। कहाँ पे ब्लॉक होता है, लिम्फ वेसल्स में ब्लॉक होता है, लिम्फ नोड में ब्लॉक होता है। और जो ब्लॉकेज होता है कुड बी ड्यू टू द किसके कारण होता है, मैकेनिकल फैक्टर्स के कारण या फिर एलर्जिक इन्फ्लेमेशन रिएक्शन के कारण। तो ब्लॉकेज क्यों होता है, ड्यू टू मैकेनिकल फैक्टर्स के कारण या फिर एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के कारण, टू द बॉर्म एंटीजन एंड सिक्रीशन, किसके कारण, टू बॉर्म एंटीजन और सिक्रीशन के कारण। और जो अफेक्टेड लिम्फ नोड होते हैं और वेसल्स होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट किससे होते हैं, मैक्रोफेजेस से, योजनोफिल से, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल से। जो अफेक्टेड लिम्फ नोड होते हैं वेसल होते हैं वो किससे इन्फिल्ट्रेट होते हैं, मैक्रोफेज से, योजनोफिल से, लिम्फोसाइट्स से, प्लाज्मा सेल से। और वेसल वाल होता है वो थिकेंड हो जाता है और नैरो, जो न्यूमेन हुआ था नैरो हुआ था और ऑक्लूड हो जाता है, एंड दैट लीड टू लिम्फ कास्टेसिस हो जाता है एंड देर इज डायलेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स। और जो बर्म होता है इनसाइड द लिम्फ नोड एंड वेसल्स, उस वहाँ पे क्या करवा देता है, गैरुलोमा फॉर्मेशन करवा देता है। क्या करवा देता है, गैरुलोमा फॉर्मेशन करवा देता है विद सब्सिक्वेंट स्कैरिंग एंड इवन कैल्सिफिकेशन। सब्सिक्वेंट स्कैरिंग होता है और कैल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी चेंजेस जो होता है वो डैमेज कर देता है वेल्व इन द वेसल, लिम्फ वेसल। इन्फ्लामेटरी जो चेंजेस होते हैं वो डैमेज क्या कर देते हैं, वेल्व को, किसमें, लिम्फ वेसल्स में, फर्दर एग्रीवेटिंग द लिम्फोस्टेसिस, जो कि फर्दर लिम्फोस्टेसिस को एग्रीगेट कर देते हैं। इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ लिम्फ वेसल वाली क्या करते हैं, लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच लिम्फ इनटू द टिश्यू को लीकेज करते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं टिपिकल हार्ट पीटिंग और ब्रॉनी एडिमा ऑफ फिलेरियासिस, ठीक है ना। ये प्रोड्यूस करते हैं टिपिकल हार्ट पीटिंग और ब्रॉनी एडिमा ऑफ फिलेरियासिस। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं इन्वेड करते हैं एडिमेटस टिश्यू को और ले डाउन करते हैं फाइब्रस टिश्यू को, प्रोड्यूसिंग द नॉन पीटिंग ग्रॉस एडिमा ऑफ एलिफेंटियासिस। और रिकरेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है कॉज करता है फर्दर डैमेज को। उसके बाद एनिमल जो मॉडल होते हैं हैव बीन डेवलप्ड, जैसे एक्सपेरिमेंटल फायरल इन्फेक्शन को देखने के लिए कैट्स में, ठीक है ना। ये हमें हेल्प के अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज, ठीक है ना। और बट इन कैट्स और एनिमल्स में फायरल जो इन्फेक्शन होता है एलिफेंटियासिस नहीं करवाता है। एलिफेंटियासिस बहुत यूनिक है किसको, ह्यूमन फिलेरियासिस में, ठीक है ना। अपेरेंटली कॉज फॉर ह्यूमन इरेक्ट, क्योंकि ह्यूमन ऐसे इरेक्ट पोस्चर होता है और क्योंकि इनमें हाइड्रोडायनेमिक फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है लिम्फ फ्लो को। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, इट अकर्ड ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल का ब्लॉकेज हुआ था, लिम्फ नोड का ब्लॉकेज हुआ था बाय द एडल्ट वॉर्म। और ब्लॉकेज जो होता है क्यों होता है, बाय द मैकेनिकल फैक्टर या फिर एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के कारण, ड्यू टू द वॉर्म एंटीजन एंड सिक्रीशन। जो अफेक्टेड लिम्फ नोड होते हैं वेसल्स होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट किससे होते हैं, मैक्रोफेज से होते हैं, योजनोफिल से होते हैं, लिम्फोसाइट से होते हैं एंड प्लाज्मा सेल से होते हैं। जो वेसल वाल होते हैं वो थिकेंड हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। और जो लुमेन होते हैं नैरो होते हैं और ऑक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और जिससे क्या होता है, दैट लीड टू लिम्फ स्टेसिस एंड डायलेशन ऑफ लिम्फैटिक लिम्फ वेसल्स,
ठीक है, जो बर्म होते हैं इनसाइड द लिम्फ नोड एंड वेसल वो कॉज करते हैं ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन विद सब्सिक्वेंट स्कैरिंग एंड इवन कैल्सिफिकेशन हो आता है, और इन्फ्लामेटरी चेंजेस जो होते हैं वो डैमेज कर देता है वॉल्व को लिम्फ वेसल्स में, और जिससे एग्रीगेट हुआ था लिम्फ स्टेसिस। इंक्रीज प्रोबेबिलिटी जो लिम्फ वेसल वॉल का होता है, जिससे क्या होता है प्रोटीन रिच लिम्फ जो होता है वो टिश्यू में लीक करता है, और ये प्रोड्यूस करता है टिपिकल हार्ट बीटिंग या फिर ब्रोनी एडिमा और फिलेरेसिस। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट जो होता है इन्वेट करता है एडिमेटस टिश्यू को, ठीक है ना, जो कि ले डाउन करता है फाइबस टिश्यू को, एंड प्रोड्यूस करता है नॉन पीटिंग ग्रॉस एडिमा ऑफ एलिफेंटियासिस। ठीक है, रिकरेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है जो कि काउज करता है फर्दर डैमेज को। अब रहते हैं व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस क्लासिकल फिलेरेसिस, उसके बाद हम लोग ऑक्लूड पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है फिर लिम्फेटिक फिलेरेसिस का, सिम्टोमेटिक होता है दैट इज सब क्लिनिकल, दैट इज अ माइक्रोफिलेरेमा, एक्यूट एडिनो लिम्फेटिक्स एंड क्रॉनिक लिम्फेटिक डिजीज। तो क्या क्या होता है लिम्फेटिक फिलेरेसिस का, ए सिम्टोमेटिक होता है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, यदि सब क्लिनिकल होता है जिसमें माइक्रोफिलेरी होता है, एक्यूट एडिनो लिम्फेनाइटिस होता है और क्रॉनिक लिम्फेटिक डिजीज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं अपीयर क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट वर्चुअली ऑल ऑफ देम हैव सब क्लिनिकल डिजीज जो कि इंक्लूड करता है माइक्रोस्कोपिक हिमाटूरिया एंड प्रोटीनूरिया जिसको, और डायलेटेड लिम्फेटिक्स। और मैन में क्या होते हैं विद ब्रोंकोबुचेरिया ब्रोंकोफाइटिस इन्फेक्शन द स्क्रोटल लिम्फ एंजेस्टिया, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ पेशेंट क्या करते हैं अपीयर करते क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट वर्चुअली ऑल ऑफ देम हैज सब क्लिनिकल डिजीज, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया हुआ था, प्रोटीनूरिया हुआ था, डायरेक्टली लिम्फेटिक्स हो जाता है, और मेन में ब्रोंकोबुचेरिया ब्रोंकोफाइटिस इन्फेक्शन जो होता है स्क्रोटल लिम्फ एंजेस्टिया करवाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एक्यूट एडिनो लिम्फेटिकस, क्या देखने जा रहे हैं एक्यूट एडिनो लिम्फेटिकस, ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं भाई हाई फीवर, इसमें हाई फीवर होता है, लिम्फेटिक्स में इन्फ्लामेशन हुआ था इसको बोलते हैं लिम्फ एंजाइटिस और लिम्फ एडिनाइटिस, और ट्रांजिएंट लोकल एडिमा हो जाता है। तो क्या क्या हुआ एक्यूट एडिनो लिम्फेनाइटिस में हाई फीवर हुआ, लिम्फेटिक का इन्फ्लामेशन इसको बोलते हैं लिम्फेनाइटाइटिस एंड लिम्फेडाइटिस, और ट्रांजिएंट लोकल एडिमा हो जाता है। फीवर जो होता है हाई ग्रेड का होता है, सडन ऑनसेट होता है और विथ रिगर्स एंड लास्ट करता है 2 to 3 days में। लिम्फेनाइटिस होता है जिसमें क्या होता है इन्फ्लेम्ड लिम्फ वेसल्स होता है जो कि सीन होता है रेड स्ट्रिक अंडरनीथ द स्किन, ठीक है। लिम्फेनाइटिस में क्या होता है दैट इज इन्फ्लेम्ड लिम्फ वेसल जो होता है फूल जाता है जिसमें रेड स्टिक दिखता है अंडरनीथ द स्किन, और लिम्फेटिक्स जो होता है टेस्टिस का और स्पर्मेटिक कोड का फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, विद इपिडाइमो और काइटिस और फ्यूनिक्यूटिस। एक्यूट जो लिम्फेटिक्स होता है कॉज होता है बाई एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन टू फिलेरियल इन्फेक्शन, बट ये ऑल्सो एसोसिएटेड होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से। तो लिम्फेनाइटिस में क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स दिखता है जो कि रेड स्ट्रिक अंडर नीथ द स्किन होता है, और लिम्फेटिस ऑफ द टेस्टिस और स्पर्मेटिक कोड होता है फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व होता है विद इपिडाइमो और काइटिस एंड फ्यूनिक्यूटिस। और जो एक्यूट लिम्फेनाइटिस होता है वो कॉज कैसे होता है बाय द एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन टू फिलेरियल इन्फेक्शन, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। उसके बाद एक आता है लिम्फ एडिनाइटिस, इसमें क्या होता है दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड, क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है। ये क्या पढ़े थे हम लिम्फ एंजाइटिस, ठीक है ना, लिम्फ एडिनाइटिस पढ़ रहे हैं, इसमें होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड रेड स्टिक। इसमें क्या होता है लिम्फ नोड जो होता है मोस्ट कॉमनली इन्फेक्ट होता है बिंग इंग्वाइनल नोड्स फॉलोड बाय द एक्सिलरी नोड, सबसे पहले इंग्वाइनल नोड सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, उसके बाद एक्सिलरी नोड, और जो लिम्फ नोड होता है ये बड़े हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं और टेंडर हो जाता है। फिर लिम्फ एडिमा, ये फॉलो करते हैं सक्सेसिव अटैक ऑफ लिम्फेनाइटिस और यूजली स्टार्ट्स एज स्वेलिंग अराउंड द एंकल और स्प्रेड करता है थ्रू द बैक ऑफ द फुट एंड द लेग, ठीक है ना। तो ये क्या होता है जो दिस फॉलो द सक्सेसिव अटैक ऑफ द लिम्फेनाइटिस, और स्टार्ट कैसे होता है स्वेलिंग अराउंड द एंकल में फूल जाता है और स्प्रेड टू द बैक ऑफ द फुट एंड लेग, ठीक है ना, स्प्रेड कहाँ पे करता है टू द बैक ऑफ द फुट एंड लेग, और ये ऑल्सो अफेक्ट करता है आर्म को, ब्रेस्ट को, स्क्रॉटम को, वल्वा को और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को। इनिशियली जो एडिमा होता है पीटिंग इन नेचर होता है, बट इन कोर्स ऑफ टाइम ये हार्ड हो जाता है और नॉन पीटिंग हो जाता है। इसके बाद होता है लिम्फ एंजियो वैरिक्स, इसमें क्या होता है देयर इज डायलेशन ऑफ लिम्फ वेसल, कॉमनली जो कि अकर होता है इंग्वाइनल रीजन में, स्क्रोटल रीजन में एंड टेस्टिकुलर एंड एब्डोमिनल साइड। उसके बाद जो लिम्फ एंजाइनाइटिस है और लिम्फ एडिनाइटिस है ये बोथ इन्वॉल्व करता है बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज को, ठीक है ना, इन बोथ ब्रैंकोप्टियन एंड ब्रुगियन फिलेरेसिस, बट इन्वॉल्वमेंट जो होता है जेनाइटल लिम्फेटिक्स का अकर को एक्सक्लूसिवली होता है विद बुचेरिया ब्रैंकोफाइटिस इन्फेक्शन। जेनाइटल इन्वॉल्वमेंट होता है कैन इन द फॉर्म ऑफ फंजियाइटिस, इपिडर्माइटिस एंड हाइड्रोसिल फॉर्मेशन। तो क्या क्या पढ़ा कि लिम्फ एंजाइनाइटिस और लिम्फ एडिनाइटिस जो होता है इन्वॉल्व करता है
दोनों अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज को इन बोथ ब्रैंकोफ्टियन एंड ब्रुगियन फिलरेसिस, बट जो इन्वॉल्वमेंट होता है जेनाइटल लिम्फैटिक्स का वर्कर होता है एक्सक्लूसिवली विद ब्रोंकोफ्टाई इन्फेक्शन, और जेनाइटल जो इन्वॉल्वमेंट होता है कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूनजाइटिस, एपिडर्माइटिस और हाइड्रोसिल फॉर्मेशन. उसके बाद आता है हाइड्रोसिल, ये वेरी कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है ना, फिलरेसिस का. इसमें क्या होता है, दैट इज एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है जो कि ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ वेसल ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड ऑल्सो बाय द एक्सक्यूडूशन फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस. ये फ्लूइड जो होता है यूजली क्लियर होता है और स्ट्रॉ कलर्ड होता है, बट मे समटाइम भी क्लॉडी होता है, मिल्की होता है या फिर हिमरेजिक होता है. जो हाइड्रोसिल होता है मे बी यूनिलैटरल होता है या बायलैटरल होता है और जनरली छोटा होता है अर्ली स्टेज में, ठीक है ना. बट ओकेजनली क्या होता है, ये इनॉर्मस प्रोपोर्शनल में बढ़ जाता है इन एलिफेंटियस ऑफ द स्क्रोटम. ओके, उसके बाद एक आता है दैट इज द लिम्फ ओरेजिया. इसमें क्या होता है, दैट इज रप्चर ऑफ लिम्फ वैरियसेस दैट लीड टू द रिलीज ऑफ लिम्फ और काइल और रिजल्ट होता है इन काइलूरिया. उसको बोलते हैं काइलोरस डायरिया, काइलोरस एस्काइटिस एंड काइलोथोरैक्स, डिपेंड करता है ऑन द इन्वॉल्व साइट. उसके बाद होता है एलिफेंटियसिस. ये क्या है, डिलेड सिक्यूल है किसका, टू रिपीटेड लिम्फेनाइटिस का, ऑब्स्ट्रक्शन का, लिम्फ एडिमा का. रिपीटेड लीकेज होता है लिम्फ का इनटू द टिश्यू जो कि फर्स्ट रिजल्ट करता है इन लिम्फ एडिमा, देन टू एलिफेंटियसिस इन विच देर इज नॉन पिटिंग ब्रॉनी एडिमा विथ ग्रोथ ऑफ न्यू एडवेंटिशियस टिश्यू एंड थिकन स्किन क्रॉल्स एंड फीसर्स विथ सेकेंडरी एंड बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, जो ये कॉमनली सीन होता है लेग में बट ऑल्सो इन्वॉल्व करता है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को. एलिफेंटियसिस में क्या होता है, इसी ये बेसिकली एक डिलेड सिक्वल होता है किसका, तो रिपीटेड लिम्फेनाइटिस का, ऑब्स्ट्रक्शन का, लिम्फ एडिमा का. रिपीटेड लीकेज होता है लिम्फ का इनटू टिश्यू जो कि फर्स्ट रिजल्ट होता है लिम्फ एडिमा में, उसके बाद एलिफेंटियसिस में. देन वहाँ पे क्या होता है, नॉन पिटिंग ब्रॉनी एडिमा हो जाता है जहाँ पे ग्रोथ होता है न्यू एडवेंटिशियस टिश्यू का, थिकन स्किन का, क्रॉल्स का, फीसर्स विद सेकेंडरी बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन का, जो कॉमनली लेग में दिखता है, अदर पार्ट ऑफ बॉडी में भी दिखता है, ठीक है. अब क्लिनिकल फीचर ऑफ फिलरेसिस की बात करोगे तो इसमें होगा ए सिम्टोमैटिक माइक्रोफिलरियली एक्यूट एडिनो लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ एडिनेटाइटिस, लिम्फ एडिमा, लिम्फ एजिनोवैरिक्स, क्रॉनिक फ्यूनाइटिस, एपिडिडाइमाइटिस, हाइड्रोसिल, एलिफेंटियसिस, काइलोथोरिक्स एंड काइलूरिया. अब हम लोग ऑक्युलर फिलरेसिस की बात, तो ये क्या होता है, इट इस रिजल्ट ऑफ हाइपर सेंसिविटी रिएक्शन के कारण किसके अगेंस्ट, टू माइक्रोफिलर एंटीजन का, नॉट डायरेक्टली ड्यू टू द लिम्फैटिक इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्टली ड्यू टू लिम्फैटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है. उसके बाद माइक्रोफिलरी नहीं प्रेजेंट होता है ब्लड में, नॉट फाउंड इन ब्लड, क्योंकि डिस्ट्रॉयड हुआ था बाय द एलर्जिक इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यू. व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो इसमें सबसे पहले होता है मैसिव योजनोफिलिया. क्या होता है, मैसिव योजनोफिलिया होता है 30-80%. देन हिपैटोस्पिनोमिगैली, योजनोफिलिया हो गया, हिपैटोस्पिनोमिगैली हो गया. देन पल्मोनरी सिम्टम्स होता है लाइक ड्राई नॉक्टर्नल कफ हो जाता है, डिस्पिनिया हो जाता है और एस्थेमेटिक ब्लीडिंग हो जाता है. तो क्या क्या हुआ, पल्मोनरी सिम्टम लाइक ड्राई नॉक्टर्नल कफ हो जाता है, डिस्पिनिया हो जाता है और एस्थेमेटिक ब्लीडिंग हो जाता है. और ऑक्युलर फिलरेसिस जो होता है ये रिपोर्ट हुआ है टू कॉज द आर्थराइटिस, ग्लोमियोनेफ्राइटिस, थ्रोम्बोफेबाइटिस और टीनोसाइनोवाइटिस, ठीक है. और जो क्लिनिकल फीचर होता है लिम्फैटिक फिलरेसिस का, वो ऑब्सेंट होता है. ओके, इसके बाद एक सिंड्रोम आता है, इट्स कॉल्ड मेयर्स कॉनुबेनार सिंड्रोम. ये सिनोनिम्स होता है फॉर ऑक्युलर फिलरेसिस का. उसके बाद नाउ ट्रॉपिकल पल्मोनरी इयोजनोफिलिया, ये बेसिकली क्या होता है, मैनिफेस्टेशन होता है ऑक्युलर फिलरेसिस का जो कि प्रेजेंट होता है लो ग्रेड फीवर के साथ, लॉस ऑफ वेट के साथ, पल्मोनरी सिम्टम जैसे ड्राई नॉक्टर्नल कफ, डिस्पिनिया, एस्थेमेटिक ब्लीडिंग के साथ. जो बच्चे होते हैं और यंग एडल्ट होता है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है इन द एरिया ऑफ एंडेमिक फिलरेसिस जो कि इंक्लूडिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. यहाँ पे मार्क इंक्रीज होता है इन इयोजनोफिल काउंट दैट इज ग्रेटर देन 300 माइक्रोमीटर जो कि 50 से ज़्यादा चले जाता है. चेस्ट एक्सरे क्या दिखाता है, मोटेड शैडो दिखाता है सिमिलर टू मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस. ये एसोसिएटेड होता है विद हाई लेवल ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज IgE एंड फिलेरियल एंटीबॉडीज के साथ. उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट विथ फिलर एंटीजन आर यूजली स्ट्रांगली पॉजिटिव. सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं फिलर एंटीजन के साथ, यूजली स्ट्रांगली पॉजिटिव होते हैं. कंडीशन रिस्पॉन्ड करता है टू ट्रीटमेंट विथ डाई इथाइल कार्बामेजापिन जो कि एक्ट करता है ऑन माइक्रोफिलेरी. उसके बाद हम लोग कैसे कैसे डायग्नोसिस करेंगे, तो डायग्नोसिस ऑफ फिलेरिस जो होता है डिपेंड करता है क्लिनिकल फीचर पे, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर ऑन द एंडेमिक एरिया और लेबोरेटरी फाइंडिंग.
तो अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं माइक्रोफिलेरी का, तो माइक्रोफिलेरी डेमोन्स्ट्रेट होता है ब्लड में, काइलरस यूरिन में, और इसके ड्यूट ऑफ लिम्फ वैरिक्स में और हाइड्रोसिलस फ्लूड में। पेरिफेरल ब्लड जो होता है स्पेसिमेन ऑफ चॉइस होता है। माइक्रोफिलेरी कहाँ पे मिला? ब्लड में, काइलरस यूरिन में, इसके ड्यूट ऑफ लिम्फ वैरिक्स में और हाइड्रोसिल फ्लूड में, और पेरिफेरल ब्लड भी इसमें स्पेसिमेन ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, ये मेथड एडवांटेज होता है कि स्पीसीज ऑफ द इन्फेक्टिंग फिलेरी कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइक्रोफिलेरी सीन। ये ऑल्सो होता है मेथड यूज फॉर द कैरियर सर्वे। ठीक है, इंडिया में और अदर एरिया में जहाँ पे प्रीवेलेंट फेलियरस स्पीसीज होता है वो जनरली पीरियोडिक होता है, और इट इज़ द बेस्ट टू कलेक्ट नाइट ब्लड सैंपल, दैट इज 10 PM से 4 AM के बीच में। ठीक है, माइक्रोफिलेरी जो होता है डेमोन्स्ट्रेट होता है इन अनस्टेंड एस वेल एज स्टेंड प्रिपरेशन में, थिक एस वेल एज थिन स्मियर में। ठीक है, अगर हम अनस्टेंड फिल्म की बात करेंगे तो एग्जामिन करेंगे अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप, जो कि शो करता है एक्टिवली मोटाइल माइक्रोफिलेरी में, जो कि लैस करता है द ब्लड सेल अराउंड इट। जो टाइमिंग ऑफ ब्लड कलेक्शन और क्रिटिकल है, और सुर भी बेस्ड होता है पीरियोडिसिटी ऑफ द माइक्रोफिलेरियम। एग्जामिनेशन को हम लोग कॉन्वेंटली मेड द नेक्स्ट मॉर्निंग एज द माइक्रोफिलेरिया रिटेन द वायबिलिटी और मोटेबिलिटी को रिटेन करता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग इसकी ट्रीटमेंट होता है वो कैसे करते हैं, तो ट्रीटमेंट भी डू बेसिकली विद द डाई इथाइल कार्बामेजापिन। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आइबरपेक्टिन से भी करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन से भी करते हैं। ओके, दिस वॉज अबाउट कुछ कुछ पॉइंट्स में रह गया, दैट वी विल लुक इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है ना, ये अभी बुचेरिया ब्रोंकोफाइटिस के बारे में था। नाउ वी विल लुक अबाउट द ब्रुग्या मलाई। ब्रुग्या मलाई में बेसिकली क्या होता है कि जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो ब्रुग्या मलाई का जो रेल्ट वॉर्म है उस सिमिलर होता है बुचेरिया ब्रोंकोफाइटिस की तरह, जो स्मॉलर होता है साइज में। ठीक है ना, माइक्रोफिलेरी की बात करें और ब्रुग्या मलेरी तो इसमें सीधे होता है और डिफरेंट इन द नंबर ऑफ रिस्पेक्ट विद द माइक्रोफिलेरी ब्रोंकोफाइटिस। जो माइक्रोफिलेरी मलाई का ये सिमिलर साइज होता है, जो कि किंग शो करता है और सेकेंडरी कर्व शो करता है और सिफेलिक स्पेस लंबे होते हैं और कैरी करता है डबल स्टाइल इन द एंटीरियर इन और न्यूक्लियर कॉलम अपियर ब्लर्ड इन द जिम्सा स्टेन फिल्म और टिप। हाँ, यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, एक टर्मिनल और एक सब टर्मिनल। ठीक है, ये चीज़ें हो गए। उसके बाद एक सबक्यूटेनियस फिलेरियासिस होता है, इसमें लोअर लोआ है, दैट इज़ द अफ्रीकन आई बॉम। ठीक है, लोअर अफ्रीकन आई बॉम होता है। ठीक है ना, इसमें हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या होता है, तो एडल्ट बॉम थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में रहता है। ठीक है ना, थ्रो विच दे वॉन्डर। सब कंजक्टिवाइटल टिश्यूज में भी रहता है। माइक्रोफिलेरी की बात करेंगे तो सीथित रहता है विद कॉलम ऑफ न्यूक्लियर जो एक्सटेंड करता है टेल ऑफ टिप। ठीक है, पेरिफेरल सर्कुलेशन में 12 noon to 12 PM डायर्नल पीरियोडिसिटी शो करता है और दो होस्ट होते हैं, एक डेफिनेटिव होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। डे बाइटिंग फ्लाइज जैसे मैंगो फ्लाइज ऑफ द जीनस क्राइसोपस दिखता है। ठीक है ना, जिसमें कि माइक्रोफिलेरी डेवलप करता है इनटू द इन्फेक्टिव थर्ड स्टेज लार्वा। फॉर टुडे वीडियोस दिस मच इज बहुत ज़्यादा है, इसके बाद आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।